भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अब महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए निषेध आंदोलन किया गया। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं का पुतला भी फूंका। महाविकास आघाड़ी ने यह कहकर भ्रम पैदा किया है कि जो परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर चली गई वे शिंदे फडणवीस सरकार के कारण राज्य से बाहर गई है। इसका निषेध आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार के नाटो का पुतला फूंक कर किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर के अध्यक्ष शिवानी दावनी ने कहा कि जिस तरह से राज्य में सभ्रम का वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार के कार्यकाल में राज्य में आई परियोजनाएं राज्य से बाहर जा रही है, इसी के विरोध में आज यह निषेध आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर ने यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ यहाँ पर उनका पुतला फूंका है, उनका दहन किया है। अगर फेक नैरेटिव वैसे ही सेट करते रहे, फेक नैरेटिव वैसे ही बताते रहे तो आज केवल पुतला फूंका है। जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में उत्तर और जवाब देने की तैयारी युवा मोर्चा ने कर ली है, ये बतलाने के लिए आज का ये आंदोलन है। कृपया फेक नैरेटिव सेट मत करिए। आपके ना करते आपके आपके कर्म अच्छे नहीं थे, आप वो नहीं कर पाए, आप में इनकैपेबिलिटीज थी, उसकी वजह से कंपनी यहाँ पर नहीं आई और लाखों युवक बेरोजगार हुए हैं। हमको यह विश्वास है एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में कंपनी यहाँ पर आएगी। 25,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर यहाँ पर होने जा रहा है, टेक्सटाइल क्लस्टर आएगा, सो युवकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जो फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसके खिलाफ आज यहाँ पर उग्र आंदोलन हमने किया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता नाना पटोले, उद्धव ठाकरे आदि महाविकास आघाड़ी के नेताओं का पुतला भी फूंका गया। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।